अब लड़का मालगाड़ी पर से अपने बैग को नीचे फेंकता है और उतर जाता है। लड़का इलेक्ट्रिक टूल बॉक्स को खोलता है और अपना सारा जरूरत वाली सामान को निकालकर अपने एक छोटे से बैग में डाल लेता है। बड़े बैग को उस टूल बॉक्स में डालकर बंद कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी सामने से आ रहे पुलिस लड़का को देख लेता है और बोलता है, तुम तो एक बड़े बैग भी लेकर भागे हुए थे, वो कहां है? लड़का बोलता है, मुझे नहीं पता वो बैग कहां पर है। पुलिस बोलता है, लड़का को चलो तुम गाड़ी में बैठो। तभी लड़का ये सुनते ही वहां से भागने लगता है। वो अपने बैग से पुलिस के ऊपर फेंक कर मारता है। पुलिस भी लड़का को बैग चला कर मारता है तो लड़का बैग पकड़ लेता है और तेज भागने लगता है। लड़का अब एक डैम के ऊपर आ गया है और वो डैम का रास्ता दूर होने लगता है। पुलिस बोलता है, अब बच के कहां जाओगे तुम? लड़का सोचता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस पुलिस से साथ नहीं जाऊंगा और वो छलांग लगाकर दूसरे गेट को पकड़ लेता है। पुलिस बोलता है, तुम नहीं बच सकते। लड़का अपने बैग को लेकर वहां से चुपचाप अब जाने लगता है। लड़का रेलवे ब्रिज के ऊपर एक जगह बैठकर अपने घड़ी को निकालकर देखता है तो वो घड़ी टूट चुका था और लड़का उदासी मन के साथ वो घड़ी को नीचे पानी में फेंक देता है। छोटा सा जानवर का हड्डी था वो भी बॉक्स में टूट जाता है लड़का के भागने के चक्कर में।